नमस्कार दोस्तों, द स्पाइस ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक पोटैटो कड़ी। बहुत ही सिंपल सी एक डिश है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर दें। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करेंगे और डालेंगे 4 से 5 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल जब तक गर्म होगा हम बॉयल्ड अंडों को रेडी कर लेंगे। एक एक करके अंडों में हम इस तरह से कट लगाएंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम एक एक करके अंडों को फ्राई करेंगे। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका रंग हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। अंडे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे अलग से निकाल लेंगे। उसी तेल में हम डालेंगे बॉइल्ड किए हुए आलू और इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे और इसे हम लगभग 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम अलग से निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम कुछ खड़े मसालों को ऐड करेंगे। डालेंगे 1 चम्मच शाही जीरा, 8 काली मिर्च, 5 हरी इलायची, 1 से 2 इंच दालचीनी के, 6 लौंग के दाने और डालेंगे 1 जावित्री। इसे हम कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के रफली चॉप्ड किए हुए प्याज और इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका रंग हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 साबुत लहसुन और इसे भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह से पका लेंगे। डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ लहसुन और 1 बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक। इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम लगभग 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इसे हम ढक के पकाएंगे करीब 2 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हम लो पे रखेंगे। ये देखिए, अदरक लहसुन प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे कुछ सूखे मसालों को ऐड करेंगे। डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ में डालेंगे 1/2 कप पानी। अच्छी तरह से इसे हम मिला लेंगे
इसे हम ढक के पकाएंगे करीब 2 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हम लो पे रखेंगे। इसे हम फिर से थोड़ा चला लेंगे। मसालों की भुनाई बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि मसालों की भुनाई से ही सब्जी अच्छी बनती है। इस टाइम गैस का फ्लेम आप लो पे रखें। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे फ्राइड किए हुए आलू को। अच्छी तरह से इसे हम मिला लेंगे। इसे हम ढक के पकाएंगे करीब 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 कप उबले हुए दूध। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम करीब 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। इसे हम फिर से ढक के पकाएंगे करीब 2 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हम लो पे रखेंगे। ये देखिए, मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। मसालों से तेल अलग हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे 2 कप पानी। आप चाहे तो यहाँ पे गर्म पानी का भी यूज कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे फ्राई किए हुए अंडों को। डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च और इसे हम ढक के पकाएंगे करीब 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। यहाँ पे हम डालेंगे हल्का सा चीनी, लगभग आधी छोटी चम्मच। अच्छी तरह से इसे हम मिला लेंगे और इसे हम कुछ देर के लिए और कुक कर लेंगे। ये देखिए, एक पोटैटो करी बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं और नई नई कुकिंग रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें मेरा चैनल द स्पाइस ऑफ लाइफ विद प्रीति शाह।